दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो इसी को आज हम डिस्कस करेंगे। इसका साइज है 18x40 मतलब 18x40। अगर हम इसको बात करें फर्स्ट फ्लोर की तो वो भी डिस्कस करेंगे और ग्राउंड फ्लोर वो भी डिस्कस करेंगे। हमारे एक सब्सक्राइबर थे, उनके कहने पर ये मॉडल मैंने डिज़ाइन किया है। उनका कमेंट शायद सर मुझे 18x40 का एक मॉडल चाहिए, तो मैंने ये मॉडल डिज़ाइन किया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो इसी को पूरा डिस्कस करेंगे। इसका फ्रंट आप ऐसा देख पा रहे हो, अगर टॉप व्यू देखें तो आप ऐसा देखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, इससे मेरे आने वाले सभी वीडियो लगातार देख सकें। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं हमेशा एक तरह इसको ट्रांसपेरेंट करके आपको दिखाना चाहूँगा जो भी मॉडल है। तो इसको सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंट कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांसपेरेंसी में ये मॉडल आपको कैसा दिखने वाला है। तो देखिएगा, ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो फ्रंट ऐसा दिखेगा, साइड व्यू ऐसा दिखेगा एंड टॉप व्यू आपको ऐसा दिखेगा। ये ट्रांसपेरेंट होने के बाद आपको ये, जैसे हम इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर देते हैं तो आप देखिएगा ये मॉडल आपको दोस्तों ऐसा दिखने वाला होगा। तो चलो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसका ग्राउंड फ्लोर, तो हम इसके ग्राउंड फ्लोर को देखते हैं तो टॉप व्यू आप ऐसा देखेंगे, फ्रंट व्यू सॉरी, हाँ फ्रंट व्यू आप जैसे देखेंगे तो ये आपको एक मिलता है डोर जिसके ऊपर एक विंडो मिलता है और साइड में एक ये आपको ग्लासेस मिलते हैं। तो जैसे आप यहाँ से इंटर करते हैं तो ये आपको ये एक गैलरी मिलती है और आप पीछे आप जाएंगे तो आपको एक बेडरूम ये दिखने वाला होगा। ये बेडरूम है और इसके लिए आपका यहाँ से ये मैंने गेट दिया है, इधर से ये एक विंडो है और ये आपका है किचन दोस्तों, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ये आप देख पा रहे होगे ये किचन का एरिया है, ये आपका एक बेडरूम है और आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपका स्टेयर से जाकर राउंडेड होकर एल टाइप की होगी, उसके नीचे आपका लेटरिंग और बाथरूम कंबाइंड होएगा। और ये एक फ्रंट में आपको बेडरूम मिलता है जिसका आपको डोर यहाँ से मिल जाता है और एक विंडो मिल जाता है। फ्रंट से केवल आप डोर दे सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन मैंने एक विंडो केवल ही दे दिया है। तो ये आपका पूरा है ग्राउंड फ्लोर जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और ये सिर्फ डिजाइनिंग दिया है मैंने, ये और कुछ भी नहीं दोस्तों, आप पर डिपेंड करता है। और मॉडल है 18x40। और अगर इसका आपको साइज जानना है कितना साइज है तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक एक इसका 2D मॉडल भी दिया है जिसके साथ इसका साइज दिया है, बेडरूम का, किचन का, और इसकी बात करें हम गैलरी की, सभी का आपको एक एक साइज दिया है, कितने बाई कितने का रूम है, कितने बाई गैलरी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसका फर्स्ट फ्लोर। तो जैसे हम इसके फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं तो ये देखिएगा, फ्रंट से आपको ऐसा दिखेगा फर्स्ट फ्लोर और सेम टू सेम जैसा कि नीचे वाला फ्लोर था वही फर्स्ट फ्लोर भी मैंने डिजाइन किया है। सिर्फ आपका यहाँ से किचन रिमूव होकर एक बड़ा सा हॉल बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है 18 फीट जगह काफ़ी होती है और 18 फीट में थोड़ा दिवाली निकालने के बाद बाकी आपकी चौड़ाई में ही पूरा रूम एक बन जाएगा। फ्रंट रूम की बात करें तो फ्रंट मतलब आगे वाले रूम बिल्कुल वही है जो जैसा कि नीचे था, सेम रूम है, बस इसमें थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है और आपको वही लेटरिन बाथरूम पूरा स्टेयर्स के साथ दिखता है। फ्रंट आपको ऐसा दिखेगा और इस गैलरी को मैंने यहाँ थोड़ा बालकनी टाइप का बना दिया है बस। और अब बात करें लास्ट फ्लोर की तो बस लास्ट फ्लोर में मैंने फिलहाल कुछ डिज़ाइन नहीं किया है, ये बस मैंने डिज़ाइन कर दिया है, क्या नाम इसको बोलते हैं, लास्ट फ्लोर में मैंने सिर्फ ये डिज़ाइन किया कि आपका जो भी स्टेयर से गई उसको ढक दिया जाए। तो ये पूरा मॉडल था 18x40 का। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें स्मॉल हाउस प्लान को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।